हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो कोड आईडीई को इंस्टॉल करेंगे। फ्रेंड्स, विजुअल स्टूडियो आईडीई बहुत ही अच्छा सोर्स कोड एडिटर है जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। फ्रेंड्स, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सोर्स कोड एडिटर के लिए पाइचाम भी यूज कर सकते हो, लेकिन पाइचाम का जो सिर्फ कम्युनिटी वर्जन है वो ही सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका जो प्रोफेशनल वर्जन है वो पेड है। लेकिन जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स कोड एडिटर है। इसमें बहुत से फीचर्स हमें मिलते हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे इंस्टॉल। हाँ तो फ्रेंड्स, वीएस कोड को इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने सिस्टम में पाइथन का सेटअप भी इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए अगर आपने अपने सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल नहीं किया है, तो मैंने अपनी पाइथन की सीरीज के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में यही बताया था कि हम कैसे अपने सिस्टम में पाइथन को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने पाइथन को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज आप पहले उस वीडियो को देख लो, उसके बाद फिर आप वीएस कोड को इंस्टॉल करना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अपने सिस्टम में हम वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल गूगल में जाएंगे और लिखेंगे वीएस कोड डाउनलोड। ठीक है जी, तो जो हमारा जो फर्स्ट लिंक होगा ये होगा कि code.visualstudio.com, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मैं चाहता हूँ कि इस जो अगर आप विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हमारे पास ये फॉर विंडोज के लिए, ये फॉर लिनक्स के लिए और ये फॉर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। अगर आप इसमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग आप विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे विंडोज यूज कर रहा हूँ और मेरा 64 बिट है विंडो, तो यहाँ पे मैं 64 बिट पे क्लिक करूंगा तो इसकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है कि थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग वीएस कोड फॉर विंडोज, यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी ही डाउनलोड कर चुका हूँ, ये इसका सेटअप है। तो जब आप का वीएस कोड डाउनलोड हो जाएगा तो आपका सेटअप, आपके पास उसका सेटअप आ जाएगा। तो अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इस सेटअप पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो एग्रीमेंट है वो ओपन हो जाएगा। हम सिंपल इसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये इसकी डिफॉल्ट जो लोकेशन है कि यहाँ पे ये इंस्टॉल होगा, तो हम इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको हम डिफॉल्ट ही रहने देंगे। इसको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जो ये है एड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेनू, इसको भी हम चेक करेंगे। और जो इसका नीचे का ऑप्शन है एड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर डायरेक्टरी कॉन्टेक्स्ट मेनू, इसको भी हम क्लिक करेंगे। इसको आप भी क्लिक कर लेना, मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि इसका क्या यूज है। इसको हम फिर से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए, उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में पाइथन के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सोर्स कोड एडिटर है बिगिनर्स के लिए, इसको यूज करना बहुत ही इजी है और ये बहुत से शॉर्टकट्स भी प्रोवाइड करता है यूजर्स के लिए। आप उन शॉर्टकट्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। तो ये हमारा जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं सिंपल लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड इसको चेक करूंगा और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ही हमारा लॉन्च हो जाएगा। ये अभी ओपन हो रहा है, ओपन होने में ये थोड़ा टाइम लगा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये ओपन हो चुका है फ्रेंड्स। ये इसका जो होम पेज है, मतलब कि वेलकम पेज है, इसका ये इंटरफेस है। यहाँ पे आप न्यू फाइल पे क्लिक कर सकते हो किसी फाइल को क्रिएट करने के लिए। फोल्डर, ओपन फोल्डर, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग फोल्डर है जिसमें आपने प्रोग्राम्स को सेव किया आप उसको भी ओपन कर सकते हो। हम क्या करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये अनटाइटल्ड फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हम
इसमें पाइथन की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सबसे पहले पाइथन की जो एक्सटेंशन है उसको हमें इसमें इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये नीचे का सबसे नीचे का ऑप्शन है, ये इसमें क्या है एक्सटेंशन, तो हम इस पर सिंपल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी इंस्टॉलेशन हैं, जो भी हमें चाहिए, हम उनको यहाँ पे सिंपल सर्च करेंगे। अगर हमें पाइथन हम रन करना चाहते हैं तो हम सिंपल यहाँ पे पाइथन लिखेंगे। मैंने पहले ही इसको इंस्टॉल किया था, ये वाली मैंने पहले ही इसको इंस्टॉल किया था, क्योंकि मैंने इसको दोबारा से अनइंस्टॉल किया था, लेकिन अब मैंने इसको दोबारा से इंस्टॉल किया है आपको बताने के लिए। तो जब मैंने पहले इसको इंस्टॉल किया था तो मैं ऑलरेडी ही पाइथन की जो एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल कर चुका था, लेकिन आपने इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है तो सिंपल आप यहाँ पे पाइथन लिखोगे, जो फर्स्ट एक्सटेंशन होगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल दिखाई देगा, आप सिंपल उसको इंस्टॉल कर लेना तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या बनाना है, इसमें सिंपल एक फाइल बनानी है जो कि हमारी पाइथन फाइल होगी। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, इसको हम सिंपल ही प्रिंट करवाएंगे, लेट्स से प्रिंट, मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। अभी हमने इसको सेव नहीं किया है तो ये हमें ऐसे दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको पहले से ही सेव कर लेता तो जब मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता तो ये जो पैरेंथेसिस है ये ऑटोमेटिकली ही, एक पैरेंथेसिस अगर मैं डालता तो दूसरी पैरेंथेसिस ऑटोमेटिकली ही हमारी जनरेट हो जाती। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, किसी भी लोकेशन पे आप इसको सेव कर सकते हो, मैं सिंपल डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ इसको, लेट्स से demo.py नेम से सेव कर रहा हूँ। और इसको जब मैं सेव करूंगा तो ये हमारी ये फाइल क्रिएट हो चुकी है demo.py। अब हम इसको सिंपल रन करेंगे, जो ये हमारा यहाँ पे एरो है हमारी राइट साइड पे, राइट टॉप कॉर्नर पे हमारा जो एरो है, हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा और उस टर्मिनल में हमें आउटपुट दिखाई देगी। अब हमें एक्सटेंशन, हम जो भी हमें एक्सटेंशन चाहिए थी पाइथन की, सिंपल हम उसको इंस्टॉल कर चुके हैं तो हम इसको क्लोज कर देंगे। हमने यहाँ पे रन पे क्लिक किया तो इसको रन होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा, पाइथन एक्सटेंशन लोडिंग, नीचे हमें नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है, आ गया भाई, कितना टाइम लगाएगा, इतना टाइम लगा रहा है यार ये आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए, इतना टाइम में तो बंदा खाना वगैरह खा के आ जाए। जस्ट जोकिंग। तो ये अभी हमें आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवा रहा है, डोंट नो व्हाई, इतना टाइम क्यों ले रहा है ये डिस्प्ले करवाने के लिए आउटपुट। मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको, हाँ ये देखिए हमारी आउटपुट आ चुकी है, ये है हमारा हेलो वर्ड जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन, मैंने इस वीडियो में बताया कि हम कैसे विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। आप भी इसको इंस्टॉल कीजिएगा और यूज कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा आईडीई है बिगिनर्स के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।